अरे यार अभी हम ध्यान दिए भाई, ये स्मोकिंग नहीं लगाया मैंने, ये खुशबू था इसमें वो लगा मैंने। अच्छा इसमें खुशबू थी, ओडोनिल टाइप आया। अच्छा वही मैंने सोचा भैया क्या लगा। सेब का पौधा खत्म, आगे कुछ भी नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा एक दो एक दो मिलेगा, सेब तो नहीं देता। यहाँ के गांव में कितने लोग रहते हैं, पॉपुलेशन क्या है यहाँ के गांव में, लोग कितने रहते हैं? 18-19 लोग बस। भाई साहब कौन सा गांव है ये? ही आर्किटेक्चर है भाई, नेचुरली बिल्ट फ्रॉम मड, ये भी पूरा मिट्टी का ही है क्या? वाओ मॉनेस्ट्री है वो देखने जा रहे हैं 14,500 फीट पे, जैसा कि आप देख सकते हो। ये रोड मुझे रोहतांग की याद दिला रही है काफ़ी हद तक, रोहतांग जैसी रोड है काफ़ी, बिकॉज दोनों साइड पे
स्नो क्लैडेड माउंटेन्स हैं एंड देन बीच में रोड है, एक साइड पे डीप वैली है, मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो आप, डीप वैलीज ऑफ स्पिति। सामने आपको दिख रहा है तो वहाँ पे स्टैंडिंग ऑन दी बेसिस ऑफ ओनली क्ले, केवल मिट्टी पे खड़े हैं। रहेगा था अलग ही लेवल का। ये वो मॉनेस्ट्री थी जहाँ भी हम लोग अंदर गए थे, काफ़ी ज़्यादा प्योर एंड सेरीन वाइब थी वहाँ की, बहुत ही मज़ा आया हमें। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से बालकनी से कैसा व्यू आता है। आई मीन अमेजिंग, दिस कांट गेट बेटर देन दिस। ये देखो आप नीचे स्पेशली जो माउंटेंस है, पॉइंटेड माउंटेंस, इन जो माउंटेंस ने स्ट्रक्चर ले रखा है ना वो काफ़ी यूनिक है यहाँ पे। दैट इज़ समथिंग जो देखने लोग स्पेशली आते हैं।